नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, टॉप 30 हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। कन्नड़ एक्ट्रेस अपना बस्तारे का कैंसर से निधन। बिहार बीते कुछ दिनों में बिजली गिरने से राज्य में अब तक 54 मौत। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मानव स्मृति पढ़ाए जाने का प्रस्ताव खारिज। नौकरी के लिए धक्के खाता भारत का भविष्य। जॉब इंटरव्यू में उमड़ी भीड़ पर बोले राहुल गांधी। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली में बाढ़ की तैयारियों को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हुई बड़ी बैठक। पूरे अग्निवीर पर सीआईएसएफ का ऐलान, जल्द मिलेगा 10% आरक्षण और फिजिकल टेस्ट में छूट। कांग्रेस नेता निखिल मतदान बीजेपी में शामिल, हरियाणा सीएम नायब सिंह सोनी ने दिलाई सदस्यता। प्रोफेसर मोहम्मद शकील जामिया मिलिया के कार्यवाहक कुलपति बने। नीट पेपर लीक, सीबीआई ने मुख्य आरोपी राकेश रंजन को किया गिरफ्तार। बिहार बिजली गिरने से 4 की मौत, सीएम नीतीश ने किया 4-4 लाख की मदद का ऐलान। नीट लीक आरोपी रॉकी को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया। कठुआ हमले पर जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस की हाई लेवल मीटिंग। दिशा सिलियान मौत, बीजेपी विधायक नितेश आने को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो रहा लालू परिवार। नेपाल में लैंडस्लाइड के बाद बड़ा हादसा, 2 यात्री बसें बही, 60 से ज्यादा यात्री लापता। कोलकाता नागर बाजार में आइसक्रीम और बनियान की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मुंबई में भारी बारिश को लेकर आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। दिशा सालियान केस में बीजेपी विधायक नितेश राणा आज मुंबई पुलिस के सामने होंगे पेश। महाराष्ट्र में आज एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग, 11 सीट के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। रांची में आज से शुरू होगा आरएसएस के पंच प्रचारकों की सालाना मीटिंग। हाथरस दफ्तर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। बीआरएस नेता के कविता की जमानत अर्जी पर राहुल एवेन्यू कोर्ट में होगा सुनवाई। स्वाति मालीवाल केस में विवेक कुमार की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आसाम में 30 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। नीट यूजी मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को होगा सुनवाई। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पथराव मामले में सभी 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। हम बसपा के साथ मिलकर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, अभय चौटाला। फिलहाल टॉप 30 हेडलाइंस में इतना ही, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।